वेलकम बैक। और मैच का बाकायदा आगाज हो चुका है, साइबर वर्सेस अटक। और सकलैन, अदील स्ट्राइकिंग एंड्स पर मौजूद हैं। शहराज स्पिन से आगाज किया है यहाँ पे अगर देखा जाए। इस दफा सिंगल लेने में कामयाब रहे। इनिंग का आगाज यहां पे लेफ्ट हैंड, और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिस किया यहां पे गेंद को। पहले ही ओवर में यहां पे एक शानदार विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं शहराज। बिल्कुल नहीं समझ सके। सकलैन यहां पे एक पहले ही ओवर में यकीनन यहां पे साइबर मार्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसान। वापस जाते हुए सकलैन पवेलियन में यकीनन मायूस होंगे क्योंकि आज बड़ी इनिंग की तवक्का की जा रही थी। सिर्फ एक रन बना सके सकलैन। और जो स्ट्रेटजी और जो बर्थरी हासिल करना चाहते थे यकीनन उसमें कामयाब हुए हैं शहराज। CPL Winter League 2023 और अगर बात की जाए पिछले वीकेंड की, पिछले वीकेंड्स पे एक दिन के मैचेस मिस हो गए थे ड्यू टू रेन, क्योंकि रात को बहुत ही हैवी रेन हुई थी सैटरडे नाइट में, और संडे के मैचेस जो थे वो नहीं हो सके थे जो कि जुबली क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने थे। और नए बल्लेबाज इस वक्त आ रहे हैं कमर अब्बास। यकीनन उनके ऊपर एक प्रेशर होगा पहले ही ओवर में विकेट का जाना, और अब जिम्मेदारी को मजीद बखूबी निभाना होगा यहाँ पे कमर को। बड़ा ही शानदार ओवर अभी तक शहराज की जानिब से, इस दफा फुल लेंथ बॉल की है और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं लग रहा कि किसी भी किस्म का प्रेशर है उनके ऊपर। इस दफा फ्लिक करने में कामयाब हुए हैं और शानदार फील्डिंग यहां पे।
स्क्वेयर लेग पे यहाँ पे रोकने में कामयाब हुए हैं। इसी सना में 2 रन कंप्लीट किए कमर ने और इसी के साथ पहला ओवर अपने इख्ताम को पहुंचा 4 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। सेकेंड लास्ट ओवर का आगाज रिजवान करेंगे लेफ्ट हैंड एक दफा फिर से, इस दफा पेस का इस्तेमाल और अच्छा आगाज यहां पे रिजवान के लिए। डॉट बॉल से आगाज हुआ है, थोड़ी सी जल्दी में लग रहे हैं रिजवान कमर और अदील, बड़ी शॉट्स की तलाश में है। पहले ही ओवर में विकेट जाने के बाद प्रेशर को रिलीज करने के लिए आई थिंक इस तरह करना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम आई थिंक मिस होगी और लेग बाइज अंपायर की जानिब से 1 रन। बड़े ही धीमे अंदाज में इस गेंद को डक किया, अच्छा यॉर्क अच्छी लेंथ इस दफा कमर, जो कि पहले ही ओवर में उन्हें बैटिंग करना पड़ी, नंबर 3 पे खेलते हैं लेकिन पहले ही ओवर में विकेट का चले जाना और फिर उस चीज पर इनको एज अ ओपनर एक तरह से अब खेलना पड़ेगा। इस दफा शानदार शॉट, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए, पॉइंट पे 4 रन। और एक दफा फिर से गैप तलाश करने में कामयाब रहे, 4 रन इस दफा, 2 मुसलसल बाउंड्रीज यहां पे कमर के बल्ले से। इसी के साथ 2 ओवर अपने इख्ताम को पहुंचे 13 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। और शानदार यहां पे
दूसरा ओवर दूसरी बड़ी विकेट यहां पे शहराज शानदार यहां पे अपना स्पेल करवाते हुए, और यकीनन यहां पे साइबर मार्ट के लिए ये एक खुश आइंद बात नहीं होगी। तीसरे ही ओवर में अपने दो अहम खिलाड़ी यहां पे खो चुके हैं साइबर मार्ट की टीम। बहुत ही शानदार तरीके के साथ दूसरे ओवर का आगाज। अदील जो कि सिर्फ एक रन बना सके, चार गेंदों को उन्होंने सामना किया, और दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त पवेलियन वापस जा चुके हैं। कुछ अच्छा आगाज नहीं साइबर मार्ट के लिए ओपनर बल्लेबाजों की जानिब से। और यही स्ट्रेटजी अपनाना चाहते थे यकीनन शहराज। पहले ही ओवर से उन्होंने लेफ्ट आर्म के साथ आगाज किया, दूसरा ओवर फिर उन्होंने लेफ्ट आर्म लेकिन सीम का इस्तेमाल, और तीसरे में फिर से खुद इस दफा मुश्किल होगा रन लेना। कैच, और ये शानदार एफर्ट यहां पे शहराज की जानिब से। तीसरी विकेट यहां पे शहराज ने हासिल की है और एक शानदार एफर्ट देखने को मिली। डिसमिसल्स यहां पे रन्स लेना चाहते थे लेकिन एज लगा, सीधा फील्डर ने खुद ही वहां पे बॉलर ने कैच लिया और एक शानदार एफर्ट यहां पे मुकम्मल तौर पे टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता हुआ नजर आ रहा है साइबर मार्ट का। तीन प्लेयर्स वापस आ चुके हैं पवेलियन में। एक यहां पे अच्छी एफर्ट, बहुत ही शानदार शहराज ने आगाज किया है आज यकीनन अटक के लिए। वेलकम बैक, और कुछ तकनीकी खराबी के बायस माजरत चाहते हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। एक और बेहतरीन गेंद शहराज, बिल्कुल यहां पे समझना उन्हें मुश्किल हो रहा है, कमर स्ट्राइक पे है, डक्की है यहां पे, स्ट्राइक रोटेट, एक रन लेने में कामयाब। इस दफा थोड़ा जोरदार शॉट खेला है, गैप है, दो रन्स मुकम्मल हो सकते हैं। डीप मिड विकेट में ये बॉल रोलिंग करता हुआ गया और दो रन्स कंप्लीट। शहराज एक बहुत ही हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करवा रहे हैं, लाइन और लेंथ का बखूबी उन्होंने इस वक्त इस्तेमाल किया है,
और जिस तरह मॉर्निंग में आगाज हुआ है सनशाइन के नीचे, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बॉल किया और आगाज में ही लेफ्ट हैंडेड का आ जाना यकीनन थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी के साथ 5 ओवर कंप्लीट, 26-3 खिलाड़ी आउट। पावर प्ले का आखिरी ओवर यहां पे करवाने के लिए शकील आए हैं और फील्ड प्लेसमेंट में उन्होंने थर्ड मैन और डीप मिड विकेट को बाउंड्रीज पे लिया है। अभी भी इस चीज पे बहस मुबाहिसा जारी, देखना होगा फील्ड प्लेसमेंट में रद्दोबदल करने की गुंजाइश है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे डीप मिड विकेट के फील्डर को मिड विकेट पे लिया गया है और फाइन लेग के फील्डर्स को बाहर निकाला है। शकील आगाज करेंगे पावर प्ले के लास्ट ओवर का। पहला यहाँ पे शॉर्ट लेंथ बॉल और फील्डर मौजूद हैं मिड ऑफ पे, एक ही रन। यहाँ पे देखना होगा अंपायर का इशारा लेग बाइज या फिर कुछ बल्ले के साथ कनेक्शन बन सका। और इसी वक्त हमें कॉम बॉक्स में ज्वाइन कर लिया है एक सीनियर तरीन और इस लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर एहसन जैदी ने, खुशामदीद कहते हैं आपको कॉम बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच जी। शकील इस दफा दोनों बाजू फिजा में यहां पे खोले हैं, वाइड गेंद का इशारा अंपायर की जानिब से। एसन हमारे साथ हैं, इनके साथ इस लीग के हवाले से यकीनन डिस्कशन करना जरूरी समझता हूं। एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव, 14 साल से ये चलता आ रहा है, इस साल आप क्या समझते हैं क्या बेहतरी आई है इस मेगा इवेंट में? देखिए जी, हमारा एम यही रहा है कि एक कॉरपोरेट और इमेच्योर क्रिकेट को एक एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम मुहैया करें, जिसके अंदर जो 5 दिन काम कर रहे होते हैं लोग अपने ऑफिसेज में, उनको हम लोग ग्राउंड में लेके आए, उनको प्रमोट करें और उनको वो माहौल दें जो कि वो जवानी में एंजॉय करते थे एज इन अ ग्राउंड। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा ये एटमोसफेयर बने कि जिसको फैमिलीज भी इंजॉय करें और प्लेयर्स भी आके ग्राउंड में रिलैक्स फील करें। इस दफा फील्डर मौजूद हैं पॉइंट पे, एक रन लेने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल एसन, जैसा आपने कहा, एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, एक तो एंटरटेनमेंट के लिए और दूसरा कुछ ऐसे प्लेयर्स जो क्रिकेट से वाबस्तगी कम हो गई वो भी अब खेल रहे हैं, तो यकीनन ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। जी बिल्कुल, देखें हमारा मोटिव यही है कि ना सिर्फ उन लोगों को हम एंटरटेनमेंट दें जिनका पुराना ताल्लुक रहा है क्रिकेटर से, और बल्कि हमने ये भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि जो इधर सीनियर मैनेजमेंट है उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक उनके बच्चे, उनका बेटा, ही वॉन्ट्स टू प्ले, तो हमने उनको भी बुलाया है, उनको इसको ये एटमोसफेयर उनको भी देना चाहते हैं ताकि
ताकि वो अपने सुपरविजन में उन बच्चों को खिलाए और एक फील करे कि डेफिनेटली जब एक बेटा अपने बाप के साथ खेल रहा होता है तो बाप भी उसको ऑनर फील करता है कि मेरा बेटा इस वक्त इतना काबिल हो गया है कि वो उनके साथ खेल रहा है और वो अंडर अपने सुपरविजन उनको खिलवा सकता है और बेटे को बता सकता है कि किस तरह उसने ग्रूम करना है और किस तरह उसने आगे लेके चलना है चीज को। बहुत जबरदस्त एहसन, जिस तरह से आपने बयान किया ये चीजें यकीनन काबिले तारीफ हैं। इस एक बेहतरीन मकसद के तहत आप एक जबरदस्त चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें आपके साथ जो बाकी टीम्स के ऑनर्स हैं या बाकी फ्रेंचाइजीज आपके साथ जुड़ी हैं, उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है आपको? देखिए जी, जैसे आपको पता है कि इस टूर्नामेंट का मेन स्पॉन्सर लेज है, साइबरमार्ट ने हमें उसके अंदर तावुन किया है, पीटीसीएल बिजनेस सॉल्यूशन ने तावुन किया है। तो डेफिनेटली ये टीमें, जब तक स्पॉन्सर, आपको पता है जान होता है एक टूर्नामेंट की, जब तक वो नहीं आएगा तो टूर्नामेंट में एक क्वालिटी, एक विजन जो एक टूर्नामेंट का होता है वो नहीं निकलता, और नो डाउट देन द पार्टिसिपेंट्स टीम। जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त तकरीबन कोई 6 से 7 कॉरपोरेट मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं और डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट भी इसीलिए डेवलप होता है कि जब उनको एक अच्छी इंटरटेनिंग क्रिकेट मिलती है, वीकेंड उनका एक एनहांस हो जाता है और वो इस वीकेंड को पूरे 5 दिन अपनी लाइफ के ऊपर देखते हैं, उसका इम्पैक्ट आता है तो एक अच्छा शॉट कवर में। तो डेफिनेटली इनके लिए ये एक लर्निंग भी है और टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी है। जो कॉर्पोरेट टीमें होती हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके लोगों को किसी मकाम पे ले जाती हैं हिल एरियाज में, जहाँ ये टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है, तो हम उनको उनके होम में ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो ग्राउंड में आए और आके एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करें। बहुत जबरदस्त एहसन, जिस तरह से आपने सब कुछ बहुत जबरदस्त तरीके से शेयर किया है, नाजरीन को भी इससे काफी मदद मिलेगी और मोटिव समझ आएगा इस मेगा इवेंट का। और इस वक्त थोड़ी सी मुश्किलात में है साइबर, आप यूफोन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर यूफोन के अलावा आप जाहिर सी बात है सारी टीमों को सपोर्ट भी कर रहे होंगे क्योंकि आपका अपना इवेंट है, इसको आपने मजीद ग्रूम करना है, तो अपनी टीम को इस मेगा इवेंट में किस हद तक बेहतर पा रहे हैं? क्या आपकी टीम सिलेक्शन और आपकी टीम एक अच्छे तरीके नोट के साथ सिलेक्ट की गई है? जी बिल्कुल, देखें जिस तरह अगर मैं अपनी टीम को देखूं तो स्टार्ट में हम लोग लास्ट ईयर के हम लोग चैंपियन भी रहे हैं, लेकिन हर साल आपको पता है कि क्योंकि ज्यादातर वेटरन्स लोग हो चुके हैं, मैं खुद 40+ हो चुका हूँ, तो वो तो हमारी अब एबिलिटी नहीं रही जिसके ऊपर हम बैठ के एक सिंगल हैंडली टीम को जिता सके, बट सपोर्ट बिल्कुल होती है। और यहाँ पे बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए हैं कमर, इस वक्त अपनी टीम को इन मुश्किलात की घड़ियों में सहारा बनते हुए, और यहाँ पे बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए हैं कमर, कच्ची पार्टनरशिप बिल्डअप करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और ये चीज इस वक्त बहुत जरूरी है। 7वें ओवर का खेल जारी है, पहले 3 ओवर में ही 3 विकेट्स आ चुकी थी और एक शानदार यहाँ पे कम बैक कमर की जानिब से देखने को मिल रहा है और देखना होगा हैदर जो कि अपना पहला ओवर करवा रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने अपना लास्ट बॉल करवाया ओवर कंप्लीट। जी तो डेफिनेटली सारी टीमें बहुत अच्छी हैं, हर टीम में आपको 2 से 3 बड़े अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे और 3-4 एक पुराने क्रिकेटर्स मिलेंगे जो कि अपने जवानी में बहुत अच्छा खेलते रहे, तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन आपको नजर आएगा। जैसे आपने पहले दिन भी देखा कि दोनों मैच बड़े क्लोज गए, पहला मैच 5 रन से केपीजी ने अपने नाम किया, दूसरा मैच भी साइबर मार्ट ने आखिरी ओवर में जाकर चेस किया, तो डेफिनेटली आप देखेंगे बड़ा क्लोज मैच होंगे, तमाम टीमें बैलेंस हैं, इक्वल है और अच्छा खेलना जानती हैं, तो डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे टूर्नामेंट और क्लोज मैच देखने को मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, और शायकीन और नाजरीन की भी यही डिमांड है, आज के दौर में एक बेहतर क्रिकेट देखना चाहते हैं और यकीनन जिस तरह आपने बात की, पहले दिन के 2 मैचेस बड़े क्लोज रहे, बड़ा शानदार मुकाबला देखने को मिला और उसके बाद सेकेंड डे जो अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से मैचेस डिले हुए,
यार इस वीकेंड में आज पहला दिन है और आज के दिन का पहला मैच इस वक्त खेला जा रहा है साइबर मार्ट और अटक के मोबाइल। यहाँ पे साइबर मार्ट की सिचुएशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले ही ओवर में 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं उनके, सॉरी पहले 3 ओवर्स में, उसके बाद अब कमर और शेर बैटिंग पे खड़े हैं, तो इस विकेट के लिहाज से क्या कमबैक करना आसान है? देखें जी, जो अलीगढ़ की विकेट है, क्योंकि आपको पता है अब ड्यू स्टार्ट हो गई है, इनिशियली 2-4 ओवर्स तो वो डेफिनेटली सपोर्ट करती है बॉलर्स को, बट इट्स अ पैराडाइज फॉर द बैटिंग। आप जिस जिस तरह डे के अंदर प्रोग्रेस करेंगे, बैटिंग ट्रैक फ्लैट होता जाएगा और बैटिंग करना आसान हो जाएगा। तो आप ये जो मूवमेंट शुरू में आपको नजर आई, ये उसी का वजह से ये शायद अपनी जो विकेट्स लूज की हैं इन्होंने, अगर ये थोड़ा सा सस्टेन करते स्टे करते विकेट पे, तो इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट होनी थी। बिल्कुल, अभी भी थोड़ा सा स्विंग देखने को मिल रहा है स्पिनर्स की जानिब से, देखना होगा। इस दफा लॉफ्टेड शॉट है और बहुत ही शानदार, यहाँ पे 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं। कमर काफी देर से बड़ी शॉट्स की तलाश। एहसान, इस दफा रोलिंग शॉट और दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किए। कट किया है, पॉइंट पे फील्डर मौजूद हैं, मौका नहीं होगा यहां पे रन लेने का। एक रन कंप्लीट किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे कमर और शेर के मोबाइल। ये अच्छी स्ट्रेटजी है, आप बड़ी बाउंड्री हासिल करते हैं, उसके बाद रोलिंग शॉट से आप स्ट्राइक को रोटेट करते हैं और रन्स आपके आ रहे हैं 8 ओवर के इख्ताम पर, 48 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। फुल टॉस और जोरदार शॉट, यहां पे 4 रन मिलेंगे डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग में। फील्डर जरा यहां पे स्क्वेयर लेग पे थे और बहुत बड़ा यहां पे गैप। चेक करने के सलाहियत रखते हैं। एक और यहां पे लॉफ्ट शॉट, लेकिन इस दफा मिडल नहीं हो सका उस तरह से। इस वक्त नजर है साइबर मार्ट के पवेलियन के,
पवेलियन में थोड़ी सी यहाँ पे देखी जा सकती है, कट की है यहाँ पे, एक ही रन मिलेगा पॉइंट और गली के दरमियान में से। थोड़ी सी मायूसी पवेलियन में, लेकिन अब अच्छा कमबैक करते नजर आ रहे हैं, इस दफा फिर से कट करना चाहते थे और यहाँ पे अपनी फिंगर रेज की है अंपायर ने, एलबी की अपील थी और यहाँ पे कामयाब रहे। और बड़े ही सीनियर तरीन अंपायर्स इस वक्त मौजूद हैं, इस मैच को रेफर कर रहे हैं। और यहाँ पे डक्की है बिल्कुल, इस वक्त कुछ नजर आप देख सकते हैं, स्पेशल गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं और इस मना किया यहाँ पे जिशान आए ने पास। और इसी के साथ पहले 9 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ 54 खिलाड़ियों के नुकसान पर। एहसन आए हैं दोबारा से, सामने शेर है, रन्स मिलेगा यकीनन। और जिशान, जिशान की अगर बात की जाए तो पहले मैच में अपनी टीम के लिए मैन ऑफ द मैच करार पाए थे, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, बड़ा ही शानदार यहां पे रोलिंग शॉट और डीप मिड विकेट पे बॉल, एक ही रन मिलेगा। जिशान जिन्होंने 44 रन किए थे पिछले मैच में, 2 खिलाड़ियों को आउट किया था और बेहतरीन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए थे। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदलाव, इस दफा लॉफ्टेड शॉट और डीप कवर्स में एक रन मिलेगा। गली के फील्डर को यहां पे
मिड विकेट पे लिया गया है, और ये एक बड़ी नई चीज है कि डीप मिड विकेट और मिड विकेट दोनों फील्डर्स मौजूद हैं। अच्छा बॉल, हल्का सा स्विंग मिला गेंद को, और इस दफा शानदार शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और लेकिन आउटफील्ड स्लो है आज, दो ही रन्स मिलेंगे। शॉट अच्छा था लेकिन आउटफील्ड पे, निशान बड़े स्टाइलिश प्लेयर हैं, बखूबी क्रिकेट को समझते हैं, खेलते हैं, और मैच की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अपनी शॉट सिलेक्शन जो है वो करते हैं। और निशान जब तक विकेट पे मौजूद हैं तब तक साइबर मार्ट के लिए एक मुस्बत इशारा रहेगा, क्योंकि निशान पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच करार पाए थे, तो यकीनन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो लेकर चलेंगे। और इस दफा डॉट बॉल, इसी के साथ 11वें ओवर का आगाज हो चुका है। इस वक्त 59 पे हैं साइबर मार्ट, थोड़ी सी मुश्किलात हैं यकीनन, आगाज में डाउनफॉल आया टॉप ऑर्डर में। हैदर, अच्छा बॉल इस दफा, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है कॉम बॉक्स में साइबर मार्ट के कुछ बहुत ही खास शख्सियात ने, तो उन्हीं उनके साथ भी चिट चैट करेंगे। इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया है, लेफ्ट शॉट है, फील्डर मौजूद लेकिन उनकी पहुंच से बाहर, चार रन, जरूरत है ऐसी शॉट्स की यकीनन, आपके पास 10 ओवर हैं और एक अच्छा, डक किया है और एक ही रन। बैक फुट पे जाके खेलना चाहते थे लेकिन मिड विकेट का इस दफा फील्डर उन्होंने ऊपर ले रखा है, और निशान के आते ही उन्होंने ये फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव लिया है। और अगर विकेट्स का डाउनफॉल देखा जाए, पहली ही विकेट 2 रन पे, दूसरी 13 पे गिरी थी। इस दफा शानदार शॉट है, यकीनन 2 रन आ सकते हैं और बिल्कुल कामयाब हुए हैं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और रोलिंग रन निकालते रहते हैं, निशान की ये खासियत है।
जिशान विकेट पे अभी तक मौजूद हैं, साथ शेर भी इस वक्त यकीनन एक एंड को सेव किए हुए हैं। इस दफा एक और अच्छा शॉट डीप मिड विकेट पे, एक रन मिलेगा। यकीनन यहाँ पे स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव लेकर साइबर मार्ट के, अगर बल्लेबाजों की बात की जाए, जानते हैं डाउनफॉल हो रहा है, इस चीज को कवर करना है और थोड़ा सा अगर हम एक पार्टनरशिप बिल्डअप कर लें तो वो यकीनन यहाँ पे काम आएगी। इस दफा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कदमों का भी इस्तेमाल किया था, भाप गए थे लाइन को और उसी की निस्बत से उन्होंने सिर्फ एक रन लेने में ही अपनी खैर बजा लाए। शॉट यहां पे लॉन्ग ऑन पे एक रन। इस वक्त हमारे साथ कॉम बॉक्स में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हामिद और उनके साथ हैं अर्म खान, तो कोशिश करेंगे इनके साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलते रहें इनको भी साथ और इनकी टीम के हवाले से भी बात करेंगे। इसी के साथ पहले 12 ओवर का इख्ताम 71 चार खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो ड्रिंक ब्रेक्स हैं, सबसे पहले हमें ज्वाइन किया यहाँ पे अरमुगान ने, तो डायरेक्टर हैं ऑफ साइबर मार्ट। सबसे पहले वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और कॉम बॉक्स में हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सर। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने इस मेगा इवेंट में एक बड़े ही जबरदस्त तरीके से के साथ एंट्री की, पहला मैच जो था बड़ा जबरदस्त रहा आपकी टीम के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या इनिशिएटिव था, 13 साल से लीग चल रही थी, 14वां साल है, टीम लेने के पीछे आपका क्या इनिशिएटिव है? एक्चुअली साइबर मार्ट ऑलरेडी यूएस के ऊपर काम कर रही थी, तो साइबर मार्ट ने अभी अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया पाकिस्तान में, जहाँ पे ऑलमोस्ट इन अराउंड 2 ईयर्स हुए हैं। तो टू ये लीग तो ऑलमोस्ट जो है वो 14 ईयर्स से यहाँ पे चल रही है, तो अब जाके साइबर मार्ट ने इस लीग को ज्वाइन करने का किया, क्योंकि यहाँ पे और बड़ी कंपनीज हैं जिस तरह आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेज है हमारे पास, अटक पेट्रोलियम है, तो जी हम यहाँ पे इसलिए ज्वाइन किया कि यहाँ पे बड़ी और कंपनीज भी हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दूसरी कंपनीज के साथ आपको मिलने का यहाँ पे मौका मिलता है। उसके बाद सबसे बड़ा ये है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जैसा कि हमारा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, तो हमारे पास ज़्यादा डेवलपमेंट टीम है, मार्केटिंग टीम है, तो ऑफिस वर्क से निकल के एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का मौका मिलता है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो मुझे ये भी थोड़ा सा बता दें, जो आपकी टीम है वो जस्ट एम्प्लॉयज ही हैं आपके कंपनी के या उसके अलावा भी आपने कुछ पिक किए? नहीं, अभी हमारी जो टीम है वो एम्प्लॉयज हैं सारी कंपनी के, क्योंकि ये बेसिकली हम एम्प्लॉयज को एक एक्टिविटी देना चाह रहे थे कि एम्प्लॉयज जो है वो काम के साथ साथ एक फिजिकल एक्टिविटी भी कर सके। बहुत जबरदस्त। इससे एक तो आपकी काम में पॉजिटिविटी नजर आएगी और दूसरा
इस चीज से आपका इमेज भी एक अच्छा बिल्डअप होता है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं साइबरमार्ट के मार्केटिंग लीड मिस्टर हामिद। वेलकम मिस्टर हामिद, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप यकीनन जिस तरह से पहले जिक्र, और यहाँ पे इसी असना में एक विकेट मजीद गिरी है साइबरमार्ट के लिए, मुसलसल मुश्किलात का शिकार होते हुए शेर बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम को लीड करते हुए नजर आ रहे थे, एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्डअप करना चाहते थे, लेकिन पांचवी विकेट यहां पे साइबरमार्ट की आउट हुई। तो हमारे साथ हामिद हैं। हामिद, आपकी आमद के साथ एक और विकेट गिरी है, परेशानी यकीनन होगी, पांच खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, मुश्किलात हैं, क्या समझते हैं, निकल सकते हैं इस बैचअप से? बिल्कुल, जैसा हमारा स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, लेकिन फुली कॉन्फिडेंट है हम अपनी टीम को लेके, और जितने भी प्लेयर्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो प्रॉपर ट्रायल्स के थ्रू, ऑफिस में जितने एम्प्लॉयज अवेलेबल थे हमने प्रॉपर ट्रायल्स किए हैं कि इनमें से बॉलर कौन से अवेलेबल हैं, बैट्समैन कौन से हैं फुल टाइम, और ऑलराउंडर कौन से हैं, तो प्रॉपर सिलेक्शन करके हमने ये सिलेक्शन की है। कॉन्फिडेंट बिल्कुल है, फिलवक थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है, लेकिन होपफुली रिकवर करेंगे, और ऑन द अदर साइड अगर हम देखें बॉलिंग साइड पर तो डेफिनेटली हम एक टफ टाइम देंगे और टफ कम्पिटिशन देंगे। बहुत ज़बरदस्त, हमें तो उम्मीद करते हैं, पिछले मैच में भी बहुत ज़बरदस्त टफ टाइम दिया था आपकी बॉलिंग ने। तो अब जिस तरह से आपने पहले ही ये चीज़ नॉमिनेट की कि आपने बिना किसी भी तजुर्बे की ये टीम नहीं बनाई, आपने पहले पूरी सिलेक्शन की है, पूरा टीम वर्क पीछे इसके, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे, और इस वक्त नए बल्लेबाज खुरम आ चुके हैं, एक अच्छी यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली खुरम और जीशान के मबैन। मैं बात करना चाहूंगा इस मेगा इवेंट में, आपने स्पॉन्सर किया है इस मेगा इवेंट को, तो क्या एक माइंडसेट था, क्या ऐसी पॉजिटिव साइन थी जो आपको लगा कि इस मेगा इवेंट को स्पॉन्सर करना चाहिए? जी बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि पिछले 13 साल से ये लीग सक्सेसफुली रन हो रही है और बड़ी कंपनीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो जैसे हमारे डायरेक्टर साहब अरमान साहब ने बताया कि करंटली 2 ईयर से साइबरमार्ट पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे आने का मकसद ये था कि हम इन कंपनीज़ के साथ इंटरेक्ट करें, अपनी कंपनी को बेसिकली प्रमोट करें और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केट में इन हो, तो ये हमारा बेसिक गोल है जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं कि हमारा नाम एक प्रोमिनेंट विजिबल हो। बहुत ज़बरदस्त, एक सोच के तहत इस वक्त साइबरमार्ट के हमारे साथ जो नुमाइंदगान मौजूद हैं और यकीनन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रहे हैं चीज़ें। शकील, बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ अभी तक दोनों ओवर्स देखने को मिले हैं, हल्के हाथों से पॉइंट पे यहां पे कट किया और अच्छी रनिंग खुरम और जीशान की। इसी के साथ पहले 13 ओवर अपने इख्ताम को पहुंचे 76 पांच खिलाड़ियों के नुकसान पर। मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहले हमारे साथ हामिद थे, हामिद ने अपने नजरियात से आगाह किया, और अब हम अरमुगान से पूछेंगे कि ये साइबरमार्ट बेसिकली क्या चीज़ है, और जो नाजरीन इस वक्त हमारे साथ हैं इस चीज़ से किस हद तक वो आसानी हासिल कर सकते हैं, और क्या चीज़ें हैं जो आप साइबरमार्ट में हमें दे रहे हैं? सर एक्चुअली साइबरमार्ट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप परचेजिंग ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, और मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे दे रहे हैं जहाँ पे आप जो है सेलिंग भी कर सकते हैं। हमें बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया कि पाकिस्तान में ऑलरेडी ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस टाइम कामयाब चल रहे हैं जिनके ऊपर आप बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं,
अब हम इस पे ये काम कर रहे हैं कि हमारा मेन टारगेट जो है वो रिटेलर या बिजनेसमैन्स नहीं है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग घरों में बैठे हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाए कि वो घर बैठे ही अपना एक स्टोर रन करें जहाँ पे वो अपनी चीज़ें सेल कर सकें। दूसरा हमारा एक जो मोटो है वो ये है कि हमारी कंपनी क्योंकि यूएस बेस्ड है, ऑलरेडी हम यूएस के ऊपर ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मल्टी वेंडर का रन कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के बिजनेस को प्रमोट करें यूएस में, यहाँ से लोग बैठें अपनी चीज़ें यहाँ से फॉर सेल यूएस में लगाएं और वहाँ पे उनकी वहाँ पे सेल करें और वहाँ से अर्निंग करें। इसी तरह सेम अगर किसी ने यहाँ से बैठ के यूएस के अंदर बाइंग करनी है, हमारा प्लेटफॉर्म वहाँ पे रेडी है, ये वहाँ से बाइंग भी करेंगे और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वो चीज़ यहाँ पे डिलीवर करेंगे। ठीक है, और इसको फिजिकली भी अवेल किया जा सकता है कोई ऐसा स्टोर या कोई ऐसी चीज़? नहीं, ये बेसिकली अभी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन है, अभी इसका कोई फिजिकल नहीं है। फिजिकली हमारे वेयर हाउसेज हैं, जिस तरह कोई भी सेलर हमारे पास रजिस्टर होते हैं तो वो अपना यूएस में कोई सेल्स करना चाहते हैं तो वो अपना जितना भी वेयर हाउस का सामान है, जो चीज़ वो सेल करना चाह रहे हैं, वो हमें डिलीवर करेंगे, वो हम अपने वेयर हाउस में यूएस पहुंचाएंगे, तब ऑर्डर्स आने पे वहीं से उनके उन चीज़ों की डिलीवरी होगी। और इसी में एडिशन कर दीजिए, आप हमारे साथ मार्केटिंग मैनेजर भी मौजूद हैं हामिद जी। इसी में मैं थोड़ी सी चीज़ एड ऑन करना चाहूँगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेसिकली लोगों का एतमाद थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि चीज़ फिजिकली अवेलेबल नहीं होती, आप ऑनलाइन देखते हैं। तो हमारी कंपनी की एक पॉलिसी ये है, ओपन बॉक्स पॉलिसी, कि आपको जब पार्सल डिलीवर हो आप उसको पहले ओपन करें, अपनी चीज़ देखें, जो कि आप ऑर्डर कर चुके हैं वही अगर अवेलेबल है देन आप पे करें। तो हमारी ये एक अच्छी चीज़ है कि हम कस्टमर को पहले अलाउ करते हैं कि वो अपना पार्सल ओपन करे और देन वो हमें पे करे। बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे साइबर मार्ट की जानिब से बहुत कम देखने को मिला है ऑनलाइन परचेजिंग में कि फर्स्ट चेक देन पे के जो सिस्टम है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और अप्रिशिएट करूँगा यकीनन यहाँ पे जो आप लोग इस वक्त काविश कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर रहे हैं ई कॉमर्स के बिजनेस को। तो इसी के साथ मैं ये भी लास्ट आप दोनों से क्वेश्चन होगा कि अपनी टीम को कहाँ रेट करते हैं इस मेगा इवेंट में? अल्हम्दुलिल्लाह रेट अगर आप किसी भी टीम से पूछें तो वो डेफिनेटली टॉप पे तो अपनी टीम को रेट करेगा, लेकिन अगर आप न्यूट्रल देखते हुए देखें जो हमने प्रीवियस मैचेस देखे हैं और करंट जो अभी चल रहा है अटक के साथ, तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल वी विल बी इन अ टॉप फोर। बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया मिस्टर हामिद और अरमुगान खान हमारे साथ मौजूद थे। तो जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मजीद वक्तन फवक्तन बातचीत होती रहेगी और इस मेगा इवेंट में मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वापस मैच पे एक निगाह डालते हैं, इस दफा मिस किया यहाँ पे। अच्छा आगाज किया है यहाँ पे,
एहसान अपना लास्ट ओवर करवाने के लिए आए हैं। अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 18 रन उन्होंने दिए हैं। अच्छे ओवर साबित हुए उनकी जानिब से अभी तक। कट किया इस दफा, एक रन लेने में कामयाब। और जिशान, जिशान की जानिब से अभी तक कुछ वो वाली शॉट्स देखने को मिली नहीं है जिनके लिए जाने जाते हैं, जितने स्टाइलिश हैं। आई थिंक अभी तक अटैक पे जा नहीं रहे। अच्छी गेंद, चाहते हैं खुद एंड तक चले जाएं, लीड करते हुए एक एंड को कवर करें और दूसरे एंड से जो भी प्लेयर आ रहा है वो अटैकिंग मोड में लग रहा है। और खुरम जो कि अब यकीनन नजरें होंगी उनकी अगर 140 तक लेकर चले जाएं स्कोर को, क्योंकि अगर बॉलिंग की स्ट्रेंथ देखी जाए तो एक अच्छी बॉलिंग लाइन अब मौजूद है साइबर मार्ट के पास। दफा थोड़ा सा तेज बॉल और फील्डर नीचे, बहुत ही शानदार कैच यहां पे, कमाल का कैच। और इसी के साथ एक और यहां पे विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं अटक के बॉलर्स। बहुत ही शानदार यहां पे पूरे मैच को गिरफ्त में लेकर चलते हुए। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, भारी किनारा और बड़ा ही शानदार कैच, रनिंग कैच था, अपने उल्टे हाथ पे दौड़ रहे थे और डीप पॉइंट पे ये कैच हुआ और जबरदस्त यहां पे आई कांटेक्ट बनाया उन्होंने। और मॉर्निंग क्रिकेट की अगर बात की जाए तो ऐसे कैचेस देखे जा सकते हैं मॉर्निंग क्रिकेट में। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन एहसान की जानिब से। इसी के साथ है एहसान ने अपना स्पेल मुकम्मल किया, 26 रन उन्होंने 4 ओवर्स में दिए, एक विकेट भी हासिल की उन्होंने, 15 ओवर 82 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। सोलहवें ओवर में यहाँ पे बड़ा चेंज देखने को मिला है, लोधी आए हैं, इससे कबल इन्होंने कोई ओवर नहीं किया, तो एक बड़ा चेंज है यहाँ पे। और यकीनन इस चेंज की वजह यह भी हो सकती है कि दोनों जो बल्लेबाज इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं ज्यादा देर नहीं हुई उन्हें, तो मुश्किल हो सकती है उनके लिए यकीनन अगर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं तो। और इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट किया है, स्ट्राइक मिलेगा हमजा के पास, स्ट्राइक है और स्पिनर्स पे एनएसआर किया है अटक ने पूरी तरह से। यहाँ पे लेग ब्रेक को लेकर आए हैं, अच्छा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पे एक रन मिलेगा।
मना किया है यहाँ पे खुर्रम ने रन्स लेने से। और यहाँ पे टॉप एज है, फील्डर नीचे लेकिन पॉइंट से बाहर रही गेंद। यहाँ पे बैट का इशारा करते हुए खुश नहीं है अपनी इस शॉट से। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमजा तीनों विकेट्स को छोड़ के खेल रहे हैं लेग ब्रेक के गेट, अपनी तीनों विकेट्स शो ऑफ करवा रहे हैं। और अच्छा शॉट है इस दफा, बहुत ही शानदार यहां पे फील्डिंग देखने को मिली लॉन्ग ऑन पे। यकीनन तीन रन सेव किए उन्होंने अपनी टीम के लिए। और विकेट्स की बात की जाए तो बड़ी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली, नंबर तीन और नंबर चार के दरमियान में कुछ पार्टनरशिप बिल्डअप हुई लेकिन उसके बाद क्लैप्स करते हुए नजर आए। शकील को लाया गया दूसरे एंड से, बहुत ही जबरदस्त अच्छी लाइन है, स्विंग देखने को मिला है आज मॉर्निंग में इस विकेट पे। हमजा तीन स्टंप्स आप दे रहे हैं और अच्छा शॉट इस दफा, गैप शॉट है और चार रन्स। कामयाब हुए हमजा इस दफा बाउंड्री हासिल करने में। जरूरत है यहां पे साइबर मार्ट को रन्स की और उस जरूरत के वक्त हमजा विकेट पे मौजूद हैं। शकील एक दफा फिर से कदमों का इस दफा इस्तेमाल किया है लेकिन मिस कर गए, बहुत ही जबरदस्त लाइन, थोड़ा जल्दी कर गए थे हमजा और शकील के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था लाइन और लेंथ को यहां पे चेंज करना। अच्छा शॉट और मिसफील्ड कर दिया यहां पे, मिसफील्ड और देखना होगा यहां पे, चार रन दे दिए हैं एकदम से। यहां पे अटैक की टीम थोड़ा सा क्लैप्स करती नजर आ रही है इस ओवर में, दो बाउंड्रीज आ चुकी हैं और डीप स्क्वायर लेग पे चार रन मिले हैं। हमजा एक और बड़ा शॉट लेकिन मिडल नहीं हुआ इस दफा, गेंद फिजा में नीचे फील्डर और एक आसान कैच, वापस जाना होगा हमजा को, एक ही ओवर में जोर का जोड़ हुआ। ज
ज्यादा मुश्किल नहीं था ये कैच। और सिर्फ 10 रन जोड़ सके हमजा पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए। और वाइड गेंद यहां पे, और बड़ी शानदार रनिंग यहां पे, एक रन लेने में कामयाब हुए हैं। सत्रह ओवर का इख्तिताम 96 सात खिलाड़ियों के नुकसान पर। और इस वक्त स्क्रीन पे आप लिंक्स मीडिया की टीम को देख सकते हैं बड़ी जबरदस्त एफर्ट्स के साथ वर्क करते हुए। शॉट खेला इस दफा और डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पे एक रन मिलेगा। लिंक्स मीडिया जोरदार शॉट इस दफा, लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, एक रन। और मिस कर गया इस दफा, विकेट कीपर भी नहीं समझ सके, 22 के रन आएंगे। और मिस किया है, मुसलसल बड़ी शॉट्स की तलाश में है। जोरदार शॉट, फील्डर मौजूद हैं, एक रन मिलेगा डीप मिड विकेट पे। और कैच शाउट किया है लेकिन पहुंच नहीं सकते फील्डर।
लेग बाइज का इशारा अंपायर की जानिब से। इसके बाद सिर्फ एक ओवर का खेल बाकी है और रन्स अगर बात की जाए इस विकेट के हिसाब से तो काफी कोलैप्स कर चुके हैं यहाँ पे साइबर मार्ट की टीम। मुश्किलात हो सकती हैं उनके लिए अगर जिस तरह का उनका बॉलिंग अटैक है अगर उसमें कम बैक करें तो एक बेहतर कम बैक करने की सलाहियत मौजूद है उनमें, लेकिन देखना होगा ये दो ओवर का खेल किस तरह से मुकम्मल करते हैं। इस दफा शॉर्ट खेला है, गैप है, कॉ कॉर्नर के एरिया है, फील्डर दौड़ते हुए पहुंचे, बड़ी शानदार एफिट, दो रन कंप्लीट किए। और शानदार शॉट लेकिन अच्छी एफर्ट, ड्रॉप किया कैच, एफर्ट अच्छी थी, काफी टाइम था यहाँ पे, नीचे आ गए थे, बिल्कुल पहुंच गए थे लेकिन अपनी बॉडी को उस तरह से स्टेन नहीं कर पाए और ड्रॉप किया, खुश नहीं है खुद से। एक रन मिलेगा। दफा खेल दिया यहाँ पे शॉट डीप स्क्वायर लेग पे, फील्डर मौजूद और एक ही रन मिलेगा। इसी के साथ 19 ओवर का खेल मुकम्मल, 108 सात खिलाड़ियों के नुकसान पर। लास्ट ओवर का आगाज यहां पे, आखिरी ओवर, पहला फुल टॉस बॉल, मिडल नहीं कर पा रहे। लास्ट ओवर है, देखना होगा कहां तक इस टारगेट को लेकर जाते हैं। एक और रोलिंग शॉट, और वाइड वाइड के साथ ही यहां पे नाकिस विकेट कीपिंग के बायस भी चार रन जाएंगे और यहां पे बिल्कुल यहां पे नजरें नहीं थी विकेट कीपर की गेंद के ऊपर और
जरूरत थी ऐसे रन्स की यहाँ पे साइबर मार्ट को, और उसमें कुछ हेल्पिंग रन्स ऐड किए हैं कीपर ने भी, लेकिन यहाँ पे सामने से लाइट का इफेक्ट भी हो सकता है उनपे। डीप स्क्वेयर लेग और एक दफा फिर से फंबल हुए हैं, लेकिन उसका ज्यादा फायदा नहीं हासिल कर सके साइबर मार्ट के बल्लेबाज। बड़ी शानदार गेंद, स्कोर बंद किया था और बिल्कुल नहीं समझ सके। रिजवान एक दफा फिर जोरदार शॉट, लेकिन मिडल नहीं हुआ, नीचे फील्डर एक आसान कैच, और खुरम जो कि काफी देर से स्ट्रगल कर रहे थे आउट हुए हैं। और एक अच्छा कैच, यहां पे अपनी प्लेसमेंट को जाहिर किया, गेंद के बिल्कुल नीचे आए और बड़ा ही शानदार कैच। वापस पवेलियन जाते हुए और पवेलियन में उनके लिए तालियों की गूंज यकीनन सुनी जा सकती है। सलीम आए हैं और ज्यादा मौका नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि अब बस एक ही गेंद बाकी है इस इनिंग का इख्तिताम होने में। और अगर पवेलियन के मनाजर और यहां पे विकेट ली है, बहुत ही शानदार आज पूरी इनिंग में अटॉक के जो बॉलर्स थे उन्होंने बिल्कुल खुलकर नहीं खेलने दिया किसी भी बल्लेबाज को, और इसी के साथ जो पहली इनिंग है वो अपने इख्ताम को पहुंची है। 116 रन्स करने में कामयाब हुए हैं साइबर मार्ट के बल्लेबाज, और वापस जाते हुए सलीम जो कि सिर्फ एक ही गेंद का सामना किया लेकिन उस पे आउट हुए। क्लैपिंग की जा रही है उनके लिए, अब ये कौन सी क्लैपिंग है ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, और पूरी टीम यहां पे मर्ज है। देखना होगा अब बैटिंग के बाद बॉलिंग में किस तरह से वापसी होती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। यहाँ पे टीम्स की वापसी हो चुकी है और दूसरी इनिंग का आगाज होने जा रहा है। एम्पायर्स इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं और बाकायदा तिलावत से इस इनिंग का आगाज किया जाएगा साबिर मार्ट की जानिब से। यकीनन एक यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करना होगा पहले 6 ओवर्स में ही साइबर मार्ट के बॉलर्स को, अगर इस छोटे टारगेट को सेव करना है तो देखना होगा किस तरह से लेकर चलते हैं। और यहाँ पे दोनों ओपनर्स इस वक्त आ चुके हैं ग्राउंड में। देखना होगा अरसलान एक आसान टारगेट है अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड, जो के बल्लेबाजों की निस्बत से जाना जाता है। अहमद और उनका साथ देंगे अरसलान और बॉलिंग पे खुर्रम आगाज करेंगे। अहमद स्ट्राइक पे मौजूद हैं। और अगर फील्ड प्लेसमेंट की बात की जाए तो शुरुआती ओवर से ही जो डीप मिड विकेट है उसको बाय लिया गया है और डीप कवर्स में फील्डर लिया जा रहा है। तो यहां पे सेव करना चाहते हैं बाउंड्रीज को, देखना होगा क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि इस फील्ड प्लेसमेंट से आप खुर्रम पहला बॉल इस इनिंग का आगाज किया है। जोरदार अपील और अंपायर आसिफ बिल्कुल यहां पे मुतमईन नहीं है इस LBW से। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। पहले ओवर का आगाज है, 117 रन का टारगेट है, इसको अब सेव करना है साइबर मार्ट ने अगर ये मैच जीतना है तो। जिस तरह से इंपैक्ट क्रिएट किया था अटक ने आते ही, बहुत ही शानदार पहले ही ओवर में विकेट हासिल की, फिर मुसलसल दो विकेट हासिल की तीसरे ओवर में। इस दफा सीधे हाथों से खेला है, फील्डर मौजूद है, मिड ऑफ पे एक रन मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट और खुर्रम जो के बल्लेबाजी में भी
थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आए, उस तरह से मिडल नहीं हो रहा था गेंद उनके बैट के साथ। और यहां पे भारी किनारा लगा है, यहां पे मिसफील्ड और दो रन्स मुकम्मल किए हैं शेर। यहां पे फील्ड प्लेसमेंट, और जोरदार शॉट इस दफा, एक्स्ट्रा कवर में चार रन्स मिलेंगे। पहले ही ओवर में यहां पे अपने इरादों से आगाह करते हुए अरसलान, अरसलान और एक दफा फिर से वाइड गेंद, बैकफुट पे जाके जोरदार शॉट खेला है, दोबारा से मिसफील्ड देखने को मिली है यहां पे साइबर मार्ट के फील्डर्स की जानिब से। रन्स आपके पास कम है, सेव करना होगा यकीनन अगर इस मैच में रहना है तो। आगाज ही में मिसफील्ड और बाउंड्रीज और इस तरह से रन्स आना शुरू हो गए तो मुश्किलात हो सकती हैं आपके लिए। अटक की तारीफ करना होगी आज जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, और अब बल्लेबाजी में भी बड़े ही पॉजिटिव साइन के साथ इस वक्त मौजूद है। अरसलान अपनी दो स्टंप्स को यहां पर शो ऑफ करवाते हुए बड़े हल्के हाथों से खेला है, यहां पे एक रन लेने में कामयाब हुए हैं। पहले ओवर का इख्ताम 12 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर के लिए हमजा, अरसलान बड़े ही पॉजिटिव साइन के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं आज। शॉट यहां पे खेला है तेज रफ्तारी के साथ, मिड ऑफ पे गेंद गया है, रन्स लेने की यहां पे टाइम नहीं मिलेगा। और यकीनन यहां पे अरसलान जो है बड़ी बाउंड्रीज की ताक में है, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से अपनी दो स्टंप्स जाहिर करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, और थोड़ा लॉन्ग हैंडल है
तो यकीनन बड़ी बाउंड्रीज की ताक में होंगे। और अच्छा बॉल, बहुत ही शानदार यहां पे बॉल हमजा की जानिब से लगाया, बॉल विकेट कीपर को बॉल लगाया, बड़ी पेस के साथ बॉल किया। एक और बेहतरीन गेंद हमजा की जानिब से, ऐसी ही बॉलिंग की जरूरत है। अभी तक कोई रन नहीं दिया हमजा ने, इस दफा लाइन और लेंथ बहुत ही बेहतरीन, बॉडी के अंदर बॉल किया है। और जब आप स्टंप्स को शो ऑफ करवा के पीछे ऑलरेडी आप बैक फुट पे हैं, तो आपके अगर बॉडी में बॉल आएगा तो आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं बचेगी उस गेंद को ज्यादा खुल के खेलने के लिए। और उस चीज को उन मद्देनजर रखते हुए हमजा ने बड़े ही शानदार तरीके के साथ पहले चार बॉल किए हैं और बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे। एक और बेहतरीन गेंद, वाइड समझ के आई थिंक छोड़ा था यहां पे अरसलान ने, लेकिन उनकी प्लेसमेंट और वाइड का बहुत ज्यादा गैप है और उसी चीज को यहां पे मद्देनजर रखते हुए बॉलिंग करवा रहे हैं हमजा। एक और अच्छी गेंद और इस दफा रन लेने में कामयाब हुए हैं अरसलान। इसी के साथ पहले दो ओवर मुकम्मल, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और बैट पे लगी गेंद जाके ये थ्रो करने की कोशिश में। दो ओवर मुकम्मल, 13 रन बिना किसी नुकसान के। खुर्रम वापिस आए हैं, यहां पे डेड बॉल का इशारा दिया है अंपायर आसिफ ने। हल्का सा आउट स्विंग देखने को मिला है इस बॉल में। और जोरदार शॉट इस दफा, लेकिन फील्डर मौजूद।
पिछले ओवर में सिर्फ एक ही रन मिला था, तो यकीनन उस ओवर का प्रेशर होगा। और स्लोर वन किया है, आउट स्विंग मिल रहा है यहाँ पे खुरम को, बड़ा ही क्लोज फैसला था जो कि दिया गया एम्पायर की जानिब से। एक सीनियर अंपायर मौजूद हैं इस दफा, यकीनन यहां पे बॉलर ने मजबूर किया है अंपायर को अपने दोनों बाजू खोलने पे, वाइड गेंद का इशारा। और शानदार एफर्ट यहां पे, जीशान फील्डर थे, बहुत ही शानदार एफर्ट। कैच ड्रॉप हुआ है लेकिन दाद देनी होगी उनकी इस एफर्ट को, जिस तरह से उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे खुद को गिराया और बहुत ही शानदार यहां पे कैच हो सकता था अगर ये करते तो, और बहुत करीबी मामला था। जीशान बड़े ही एनर्जेटिक प्लेयर हैं, अगर बल्लेबाजी पे होते हैं तो उस टाइम भी इनकी एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त होता है, और ना खुश हैं, अभी भी ना खुश हैं इस एफर्ट से। और इस दफा हल्के हाथों से खेला है, एक रन मिलेगा फाइन लेग पे। एक और अच्छी गेंद, इसी के साथ पहले तीन ओवर का खेल मुकम्मल। अहमद है स्ट्राइक पे, तीनों स्टंप्स हमजा के लिए खाली, मौका नहीं मिलेगा रन का। ओह, बड़ी ही शानदार लाइन है, मुश्किल साबित हो रही है यहां पे यकीनन अटक।
बल्लेबाजों के लिए जिस तरह से हमजा जिस लाइन और लेंथ को इस्तेमाल कर रहे हैं मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। एक और अच्छी गेंद, अपनी पहली गेंद से लेकर ही इनकी एनर्जी जो है नजर आई है इनके अंदर। और इस दफा बड़ी शानदार रनिंग देखने को मिली, स्ट्राइक रोटेट हुआ है, अरसलान स्ट्राइक पे आएंगे और इससे कबल पिछले ओवर में अरसलान स्ट्राइक पे रहे, हमजा ने 5 गेंदें डॉट की थी, उन 5 गेंदों का जो प्रेशर है वो अभी भी उनके जहन में है। एक और शानदार गेंद, काबिले तारीफ है हमजा। एक और बेहतरीन गेंद, और 4 ओवर का खेल मुकम्मल, 17 रन्स। अतक टीम के इस वक्त आप पवेलियन मनाजर देख सकते हैं और नंबर 3 के बल्लेबाज बिल्कुल तैयार खड़े हैं। हमजा बहुत इंपैक्टफुल अभी तक साबित हुए साइबर मार्ट के लिए, बड़े उन्होंने अपने 2 ओवर किए। और करीबी मामला हो सकता था अगर ये डायरेक्ट थ्रो हिट करती स्टंप्स को। एक और बेहतरीन गेंद, बड़ी बेहतरीन लाइन और लेंथ का इस्तेमाल है, हल्का सा आउट स्विंग मिल रहा है लेकिन शानदार। एक और बहुत ही शानदार गेंद,
एक ही रन मिलेगा। डीप मिड विकेट और फाइन लेग, खुर्रम अपना तीसरा ओवर करवा रहे हैं स्पेल का। दो रन की कॉल है लेकिन एक पे ही इत्तेफाक करना होगा। अच्छी फील्डिंग, स्लोर वन किया है इस दफा लॉन्ग ऑन पे एक रन। पांच ओवर के अख्ताम पर 21 रन बिना किसी नुकसान के। कदमों का इस्तेमाल किया था, जोरदार शॉट खेला लेकिन फील्डर मौजूद और यहां पे हमजा बड़े ही खुश। यहां पे अगर देखा जाए साइबर मार्ट के टीम लीडर्स, और पहले गुफ्तगू में भी उन्होंने ये जाहिर किया था कि अगर रन कम भी होते हैं तो हमारे पास एक अच्छा बॉलिंग अटैक है जो कि रन्स को सेव करने की सलाहियत रखता है। हामिद से बात हो रही थी, उन्होंने भी यही चीज जाहिर की। अच्छा बॉल, बहुत ही शानदार। एहसन जायदी ने भी ज्वाइन किया हुआ है यहां पे अगर देखा जाए साइबर मार्ट के टीम लीडर्स को। इस दफा ऑफ साइड एज, भारी किनारा, एक ही रन मिलेगा। मुसलसल यहां पे कोशिश जारी है अरसलान की जानिब से कि अटैक किया जाए हमजा के ऊपर, लेकिन लाइन और लेंथ बहुत ही शानदार। और लिंक्स मीडिया की शानदार प्रोडक्शन टीम इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पे बड़े ही जबरदस्त तरीके के साथ अपने फ्राइज सर अंजाम देते हुए, और ये बेहतरीन प्रोडक्शन यकीनन इन्हीं शख्सियात के नाम। और एक बेहतरीन गेंद, हमजा अपना तीसरा ओवर मुसलसल कर रहे हैं और कैप्टन की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह से अगर यहाँ पे विकेट मिलती है तो वो चीज जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि पावर प्ले का लास्ट ओवर है
तीन ओवर खुर्रम करवा चुके हैं, हमजा अपना तीसरा और लास्ट ओवर जो है वो उसका सेव करेंगे। मना किया यहाँ पे इस्लाम थे नॉन स्ट्राइक एंड पे, बड़ा ही ये मुश्किल रन था इसीलिए। और इसी के साथ पहले छह ओवर का इख्तिताम हुआ, 22 रन किए हैं इस पावर प्ले में। और ये सीपीएल के शानदार मनाजर यहाँ पे इस वक्त आप प्रोडक्शन टीम भी देख सकते हैं। आज दूसरा दिन है इस मेगा इवेंट का, तीसरा मैच खेला जा रहा है और प्रोडक्शन अपने काम से यहां पे खूब महसूस करते हुए। ड्रिंक्स यहां पे अरसलान के लिए, और खुर्रम अपना चौथा और आखिरी ओवर करने के लिए आ चुके हैं, अपने स्पेल के में ही तमाम तर ओवर अपने कंप्लीट करने लगे हैं। वेलकम फ्रॉम मिड ऑफ द मैच, इस वक्त हमारे साथ साइबर मार्ट के कुछ सरबराहान मौजूद हैं जो कि कुछ गिफ्ट्स हैं वो अपने टीम के कैप्टन को देना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मार्केटिंग मैनेजर हामिद, उनके साथ मौजूद हैं तलहा। तो सबसे पहले मैं तलहा और हामिद से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गिफ्ट्स हैं वो अपने कैप्टन के हैंड ओवर करें। और ये दूसरा गिफ्ट जो कि दिया जा रहा है कैप्टन ऑफ साइबर मार्ट। तो इसी के साथ मैं थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो भी लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कैप्टन से बात करूंगा, साइबर मार्ट के कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं, सॉरी अटक के। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप ये जो एक बॉन्ड चल रहा है आप लोगों के दरमियान इस लीग के हवाले से, उसको आप किस हद तक जो है पॉजिटिव ले रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी एक पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटी है और सब हमारे जितने कोलीग्स हैं और उसके अलावा जितने आउटसाइड ऑफ ऑफिस हमारे दोस्त हैं अहबाब हैं वो सब हम उनके साथ एक चैलेंज होते हैं। इस एक्टिविटी के जरिए हम फिटनेस को अपनी अचीव करते हैं और ये आपको पता है क्रिकेटिंग सीजन है और वी आर द क्रिकेटिंग नेशन, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है एंड वी लव। बहुत ज़बरदस्त, ये पॉजिटिव साइंस जो हैं
हमारे साथ इस वक्त साइबर मार्ट के मार्केटिंग मैनेजर भी मौजूद है हामिद। मुझे ये बताइए कि ये इनिशिएटिव मुसलसल हम देख रहे हैं, आप बड़े ही पॉजिटिव तरीके के साथ सारी टीम्स के साथ बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, क्या मकसद है आप? बिल्कुल, हमारा मकसद जो है ये एक तो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, दूसरा अवेयरनेस क्रिएट करना है कि साइबर मार्ट जो कि पाकिस्तान में अब अवेलेबल है और यूएस बेस्ड कंपनी है जो अब पाकिस्तान में भी लॉन्च हुई है, तो इसको अवेयरनेस क्रिएट करना ही है बेसिकली कि दिस इज़ द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन बाय और सेल द प्रोडक्ट्स इन लोकल पाकिस्तानी मार्केट एज वेल एज इन अ यूएस मार्केट है। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त क्योंकि मैच जारी है, मैच के एंड पे भी आप सब लोगों से गॉसिप होता रहेगा। तलहा अगर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें तो कुछ अपने जो व्यूज हैं वो भी हमारे साथ शेयर कर दें। बहुत जबरदस्त तरीके से सब कुछ चल रहा है, जिस तरह से हामिद ने पहले शेयर किया आप लोगों का एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड में आप मजीद क्या ऐड करना चाहेंगे? जी, बीइंग एचआर एक अच्छी एक्टिविटी है, एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, के एम्प्लॉयज भी जो है उनको भी अच्छा फील हो, एक्टिविटी डरते हैं आफ्टर वर्क, बर्डन ऑफ वर्क इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ऑब्वियसली इनको भी रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू थे कि मार्केटिंग को भी जो ना अपना आगे लेके जाएं, इंट्रोड्यूस करें अपनी टीम को, अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाएं कि हम क्या मार्केट में कर रहे हैं, हमारा क्या वर्थ है हमारी मार्केट में। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी एक्टिविटी है। सो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा CPL को कि इन्होंने एक अच्छा एक्टिविटी जो है टूर्नामेंट वो करवाया रेंज। सो आई होप के साथ मूव करेंगे आगे। जी बहुत शुक्रिया तला, मिस्टर हामिद एंड कैप्टन ऑफ अटक। तो इसी के साथ चलते हैं मैच की तरफ वापस, बहुत शुक्रिया। और वेलकम बैक, मैच के मनाजर हैं और यहां पे पहली विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। शानदार यहां पे स्टंप्स के पीछे विकेट कीपर का शानदार कारनामा और हल्का सो इन स्विंग हुआ, गेंद काफी हद तक जो है बाउंस कर चुका था, कदमों का इस्तेमाल किया था, समझ नहीं सके और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अहमद, इस दफा नीचे रहा बॉल, एक रन का मजीद यहां पे इजाफा होगा। एक और बेहतरीन गेंद, इसी के साथ पहले 8 ओवर का इख्ताम 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। फुल टॉस, इस दफा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिडल नहीं हो सका बॉल, एक ही रन मिलेगा।
और ये बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन बिल्कुल खुश नहीं। यहाँ पे जोरदार अपील भी की थी, लेकिन अंपायर आसफ सहमत नहीं थे इस अपील से। मुसलसल यहाँ पे कनेक्शन बनाने में नाकाम हो रहे हैं अरसलान। 30 गेंदों का सामना कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस तरह से शॉट्स नहीं देखने को मिले। हमजा बहुत ही शानदार उन्होंने आज स्पेल किया। हमजा आज 3 ओवर किए, बड़े शानदार। और इस तरह से अगर आप देखा जाए, जो मेन स्ट्रेंथ थी, पहले 3 ओवर आई थिंक हमजा के हो चुके हैं और अभी 1 ओवर उनका सेव रखा गया है। एक रन मजीद आएगा। बॉल आई थिंक हर्ट किया है बॉल ने यहां पे खुर्रम को। जीशान पिछले मैच में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, 2 विकेट्स ली थी इन्होंने। अच्छा शॉट है, फील्डर मौजूद हैं, रोलिंग शॉट्स हैं, आपके रन्स चल रहे हैं, स्कोरबोर्ड आपका मुसलसल चेंज हो रहा है। और इसी के साथ पहले 9 ओवर अपने इख्ताम को पहुंचे, 33 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। और पवेलियन के मनाजर हैं, अभी तक इस मैच को थोड़ा सा भांपने में मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन मुतमईन है, उनके चेहरे से वो आसार नजर आ रहे हैं जो खुशी की जानिब उन्हें लेकर जा रहे हैं। सफा एज लगा है, फाइन थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद थे, एक ही रन आएगा। खुश हैं उनके दाद देते हुए, एक एक रन कीमती है यहां पे। और लॉफ्टेड शॉट खेला है, फील्डर्स मौजूद हैं, सिर्फ एक ही रन आ सकता है। मिडल करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, आज खासी दिक्कत देखने को मिली है यहां पे बल्लेबाजों की जानिब से। अगर बात की जाए पहली इनिंग में भी खुर्रम जो थे मुसलसल कोशिश कर रहे थे, हिट कर रहे थे बॉल को, लेकिन वो वाला कनेक्शन नहीं आ रहा था जो चाहते थे। और इस इनिंग में भी अरसलान काफी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। इस दफा एक और मिस टाइम शॉट है, कट करना चाहते थे, मिस हो गए। और जोरदार शॉट इस दफा डीप मिड विकेट, एक रन, स्कोरबोर्ड को मजीद यहां पे चला रहे हैं हैदर और अरसलान।
रन्स की अगर बात की जाए तो टोटल भी इतना बड़ा नहीं है, आप इन सिंगल डबल से भी अपने मैच को क्लोज कर सकते हैं। स्ट्रेटजी अभी तक जो है समझ में है। और सीधा यहां पे डिसमिसल्स, अरसलान 35 गेंदों का सामना किया था लेकिन फिर भी इस गेंद को नहीं समझ सके, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल हुआ और खुश है साइबर मार्च की टीम। यहां पे बहुत ही शानदार गेंद, लेग ब्रेक छोड़ा था, हल्का सा स्विंग मिला और हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन सीधा कैच। प्लानिंग्स, कमिटमेंट्स, स्ट्रगल, अगर सब चीजों का बॉन्ड किया जाए तो साइबर मार्ट की टीम निकलती है। इतने कम टोटल पर भी आपने इतनी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बहुत कम देखी होगी, बड़े ही शानदार तरीके के साथ इस मैच को लेकर चलते हुए। और ये टीम पहली दफा इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनी है साइबर मार्ट की। जिशान आए हैं दोबारा से दूसरा ओवर करवाने के लिए, पहला ओवर अच्छा रहा जिशान का, सिर्फ 4 रन दिए थे उन्होंने। वाइड बॉल से आगाज किया इस ओवर का जिशान ने, 10 ओवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और बड़ा ही शानदार इंपैक्ट क्रिएट किया है पहले 10 ओवर्स में साइबर मार्ट ने। और इस दफा बहुत ही शानदार गेंद, एक और बेहतरीन गेंद और यहां पे रन आउट होने का यहां पे खदशा है। रिव्यू जाएगा टीवी अंपायर पे, और सॉफ्ट सिग्नल उनका नॉट आउट है, देखना होगा टीवी अंपायर की जानिब से क्या फैसला आता है। बड़ा ही करीबी मामला है, देखना होगा क्या दूसरा फ्रेम हमें मिल पाएगा। फ्रेम आउट, फ्रेम इन, और अंपायर का इशारा नॉट आउट। टीवी एम्पायर से लिया गया ये डिसीजन। कैप्टन ऑफ अटक शहराज, जिन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। ओ, इस दफा गुगली थी, बड़ी शानदार तरीके से डिफेंस किया, समझ गए थे शहराज। ओह, बड़ी शानदार गेंद, इस दफा बैकफुट पे जाके पंच करना चाहते थे लेकिन ज्यादा टाइम नहीं दे रहे है जीशान।
और यहां पे गेंद है फिजा में, नीचे फील्डर है और ड्रॉप कर दिया यहां पे, आई थिंक खुरम थे वहां पे, एक और विकेट आ सकती थी हैदर की, लेकिन कैच ड्रॉप। यहां पे काफी देर फिजा में रही गेंद, नीचे पहुंच गए थे लेकिन इस दफा बहुत ही शानदार शॉट है, यकीनन चार रन्स मिलेंगे। हमजा थे फील्डर लेकिन उनकी पहुंच से बाहर, और एक शानदार शॉट, कैच ड्रॉप इससे पहली गेंद पर हुआ था और अगली गेंद पे बाउंड्री एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बड़ा ही शानदार शॉट। वन टू एंड कपल ऑफ द बाउंसेस, उसके बाद गेंद बाउंड्री से बाहर चार रन के लिए। अच्छा बॉल, एक और बेहतरीन गेंद, थोड़ा तेज तेज बॉल कर रहे हैं यहां पे अगर शेर की जानिब से देखा जाए, ज्यादा टाइम नहीं दे रहे खुल के खेलने का, मुसलसल स्पिनर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और यहां पे शॉट, फील्डर मौजूद हैं, काउ कॉर्नर का एरिया था और एक ही रन। अटक पेट्रोलियम इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, और यहां पे मिस फील्ड, ये मिस फील्ड जो है इसको कवर करना होगा यहां पे साइबर मार्ट को, क्योंकि आप कम रन को डिफेंड कर रहे हैं और इस तरह की अगर फील्डिंग करेंगे तो मुश्किलात हो सकती हैं आपके लिए। डक किया, बैक फुट पे जाके शॉट खेला है, फील्डर मौजूद हैं, एक दफा फिर काउ कॉर्नर और स्ट्राइक रोटेट, कैप्टन विकेट पे मौजूद हैं तो स्ट्रेटजी लेकर चल रहे होंगे, रन्स इतने ज्यादा नहीं है लेकिन अभी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो यकीनन ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। 12 ओवर का खेल मुकम्मल है, 50 रन्स दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। एज लगा था इस दफा लेकिन खुशकिस्मत रहे, 30 यार्ड के सर्कल पे फील्डर मौजूद थे। तेरह ओवर के खिताम पर 63 रन्स।
इस दफा बड़ा शॉट है लेकिन फील्डर मौजूद है और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं साइबर मार्ट के यहाँ पे बॉलर्स। टीम खुश, मैनेजमेंट खुश और एक जबरदस्त यहाँ पे मैच की तवक्का। लेफ्टेड शॉट में मिडल नहीं देखने को मिल रहा और जिस तरह से शहराज ने सिक्स लगाया, क्योंकि मैच का पहला सिक्स आया था शहराज के बल्ले से, मिडल हुआ और मिडल की यहां पे जरूरत है। इस दफा गैप शॉट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद नहीं, चार रन्स मिलेंगे। और लाइन मिस कर गए थे, काफी टाइम मिल गया था यहां पे इस शॉट को खेलने का और जस्ट उसको उसकी दिशा में भेजा और चार रन्स। अच्छा बॉल इस दफा, एक दफा फिर टाइम मिला था शॉट खेलने का लेकिन फील्डर मौजूद कवर में। एक और शानदार शॉट गैप में और देखना होगा, जी बिल्कुल, एक शानदार फील्डिंग एफर्ट देखने को मिली, डीप पॉइंट में ये बॉल गया था और कामयाब रहे इस गेंद को सेव करने में। डीप स्क्वायर लेग में एक रन,
हसन आए, और बिल्कुल लाइन अच्छी नहीं। दो रन लेने में कामयाब हुए हैं, और इसी के साथ अंपायर का इशारा वाइड गेंद। एक रन के लिए खेला है, स्ट्राइक दिया है शहराज को, अटैकिंग मोड में है और अटैक कर भी रहे हैं। इस दफा कट करने में कामयाब, थर्ड मैन पे एक रन मिलेगा। एक और आसान रन, रन आ रहे हैं और मैच को करीब लेके जाते हुए। अच्छा बॉल इस दफा एहसान का, और खेल दिया शॉट। यहां पे देखना होगा, लेकिन दोनों फील्डर्स के दरमियान में एक बड़ा खला मौजूद था और चार रन यहां पे मिले हैं। 15 ओवर के इख्ताम पर 81। जिशान वापस लाया गया जिशान को, लेकिन पहले जिशान दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहे थे। फुल टॉस, शॉट, फील्डर मौजूद, और यहां पे शानदार डाइव, और यहां पे बेहतरीन कैच लिया है शहराज को। यहां पे वापस पवेलियन जाना होगा। बहुत ही शानदार, मुकम्मल तौर पे सेव किया, गेंद को अपने हाथों में लिया, और यहां पे बड़ी ही शानदार डाइव की। पूरी तरह से पहले अपनी बॉडी को स्टेबल किया, गेंद को रीड किया, और उसके बाद कैच।
जिशान अच्छा इम्पैक्ट रहा, वापिस आए और आते ही विकेट यहां पे हासिल की उन्होंने, डेंजरस मैन शहराज की। शकील और आते ही यहां पे फ्लिक किया है, फील्डर मौजूद है और एक और यहां पे विकेट मिलेगी। जिशान का कमबैक यहां पे साइबर मार्ट के लिए बहुत ही शानदार यहां पे रहा और मुसलसल दो विकेट हासिल करने में कामयाब हुए जिशान। पहले शहराज अब शकील, पहली गेंद पे यहां पे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वही बात जो गेंद और बैट में मिडल नहीं मिल रहा प्लेयर्स को। एक आसान कैच यहां पे, बिल्कुल हमजा फील्डर मौजूद थे वहां पे खड़े खड़े, उन्होंने ये कैच थामा और नए बल्लेबाज इस वक्त आ रहे हैं एहसान। एहसान स्ट्राइक लेंगे हैट्रिक बॉल का। एक अच्छा फैसला यहां पे जिशान की वापसी का किया गया, इससे कबल दो ओवर कर रखे थे उन्होंने और यहां पे 16वें ओवर के लिए उनको वापस लाया गया था और आते ही दो विकेट हासिल किए हैं शहराज और शकील की। अब एहसान उल्ला आए हैं, देखना होगा हैट्रिक बॉल है, पहली हैट्रिक हो सकती है इस मेगा इवेंट में या नहीं। और यहां पे कट कर दिया है फील्डर पीछे दौड़ते हुए गेंद के और दो रन लेने में कामयाब हुए हैं। हैट्रिक बॉल थी लेकिन यकीनन बड़ी समझदारी के साथ खेला एहसान ने। डक किया है, मना किया है नॉन स्ट्राइकर ने सिंगल लेने से। इस दफा गैप तलाश करने में कामयाब हुए हैं, मौका था फील्डर के पास गेंद को रोकने का लेकिन नाकाम रहे। कट किया एक रन। 16 ओवर का खेल मुकम्मल 85 पांच खिलाड़ियों के नुकसान पर।
17 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 3 ओवर बाकी हैं। हमजा अपना आखिरी ओवर करवाने के लिए आए हैं। इससे कबल उन्होंने 3 ओवर्स में सिर्फ 3 रन दिए हैं और ये बहुत ही अहम ओवर होगा यहाँ पे यकीनन हमजा का। लोधी स्ट्राइक पे पहला गेंद और मुमकिन नहीं हुआ रन लेना। हमजा पहले न्यू बॉल के साथ स्विंग देखने को मिल रहा था हमजा के बॉल से, जबरदस्त पेस थी और लाइन और लेंथ का बड़ा इस्तेमाल किया हमजा ने। और ये 18वां एक अहम तीन ओवर है, इसके बाद 2 ओवर रह जाएंगे। इस ओवर में मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं हमजा। और इस दफा भारी किनारा लगा है, फील्डर पहुंचे हैं, बहुत ही शानदार फील्डिंग थर्ड मैन पे और 2 रन लेने में कामयाब हुए हैं। और देखना होगा यहां पे क्या ये करीबी मामला है। बहुत ही जबरदस्त डाइव और एक अच्छी थ्रो। और नॉट आउट करार दिया गया है, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट और बर वक्त ये रन्स कंप्लीट किए। और सीधा खेल है लेकिन फील्ड प्लेसमेंट अपनी बॉलिंग के हिसाब से हमजा ने कर रखी है ऑलरेडी। और इस मेगा इवेंट को आप एंजॉय कर सकते हैं लिंक्स मीडिया फेसबुक पेज यूट्यूब पे भी। इसके अलावा आप इस मेगा इवेंट को द सीपीएल और अच्छा गेंद इस दफा आज लगाया है, फील्डर मौजूद है थर्ड मैन पे, 1 रन जाएगा। द सीपीएस क्लब लाहौर इस पेज पे भी आप इस मेगा इवेंट के मैचेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे लिंक्स मीडिया आपको ये बड़ा ही क्लोज मैच हो चुका है इस वक्त, 4 रन आ चुके हैं इस ओवर में। जिशान मुसलसल एफर्ट्स पुट करते हुए, अच्छा शॉट इस दफा लेकिन 1 ही रन आएगा। लोधी स्ट्राइक पे थे, अभी एहसान उल्लाह के पास स्ट्राइक वापस मिला है। हमजा ने यहां पे जो अपना दूसरा स्पेल किया या पहला स्पेल किया बहुत जबरदस्त ओवर रहे। अभी तक वो विकेट नहीं हासिल कर सके लेकिन सिर्फ 8 रन उन्होंने दिए अभी तक। एक और यॉर्क लेंथ बॉल और सिंगल, इसी के साथ 18 ओवर मुकम्मल हुए 98-5 खिलाड़ियों के नुकसान पर।
और यहां पे शानदार अपील और आउट दे दिया गया है, आउट करार पाए हैं। बड़े ही अहम मौके पे जीशान ने एक और विकेट हासिल की है, क्रूशियल मोमेंट्स, 19 रन दरकार, 12 गेंदे और विकेट हासिल कर ली है, 11 गेंदे 19 रन। जब हल्का सा स्विंग हुआ, एज लगा और बड़ा ही शानदार कैच बिहाइंड द विकेट। ओ, बड़ा ही शानदार कैच। और यहां पे अंपायर आसिफ की जानिब से आउट करा पाए जीशान। तीन खिलाड़ी अभी तक उन्होंने पवेलियन भेजे हैं। एक और अच्छी गेंद, अच्छी लाइन, खुल के खेलने का कोई मौका नहीं। एक रन मजीद आएगा, और इसी के साथ अपने थ्री फिगर्स कंप्लीट किए हैं अटॉक पेट्रोलियम ने। ओ, बहुत ही शानदार ये लाइन और ये वेरिएशंस, जीशान गुगली का बखूबी इस्तेमाल करते हुए। कदमों का इस्तेमाल किया है, शॉट खेला, फील्डर मौजूद है और यहां पे मिसफील्ड की है, डाइव नहीं किया, पांव से रोकना चाहते थे, 4 रन मिलेंगे और बाहर किया था, लेकिन बड़ा ही शानदार कनेक्शन बना गेंद और बैट का, एफर्ट थी लेकिन एट द एंड उन्होंने डाइव नहीं किया और 4 रन मिले एक्स्ट्रा कवर में। महमूद, लास्ट बॉल इस ओवर का और फुल टॉस कर गए इस दफा, लेकिन अच्छा शॉट नहीं खेल सके महमूद। और इसी के साथ देखना होगा, यहां पे आई थिंक टीवी अंपायर को रजू किया है फील्ड अंपायर ने। देखना होगा क्या ये नो बॉल है या नहीं, फैसले का इंतजार। फैसला होगा टीवी एम्पायर की जानिब से और बड़ा ही अहम तरीन फैसला ये। और यहां पे फैसला आया, और यहां पे नो बॉल, नो बॉल आई है,
सेलिब्रेशंस कंप्लीट की थी और नो बॉल। एक और यहां पे मजीद ट्विस्ट क्रिएट करते हुए टीवी अंपायर का फैसला नो बॉल। अटक पेट्रोलियम के लिए एक यहां पे बड़ा ही सुनहरा मौका फरहम किया इस नो बॉल ने। फुल टॉस, बड़ा शॉट और नीचे फील्डर्स मौजूद, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हासिल कर सके इस शॉट से। मौका था और एक दफा फिर से रुजू कर लिया गया टीवी अंपायर को फील्ड अंपायर की जानिब से। यहां पे फील्ड अंपायर आसिफ जिन्होंने रजू किया टीवी अंपायर को। और ये फेयर डिलीवरी करार पाई है। इसी के साथ 19 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है 107 छह खिलाड़ियों के नुकसान पर। लास्ट ओवर मैच का वही ट्विस्ट है, पहले दिन भी बड़े ही जबरदस्त मैचेस देखने को मिले। आज का मैच एक और यहां पर यकीनन सनसनीखेज मैच हो रहा है। लास्ट ओवर देखना होगा कौन ये जिम्मेदारी निभाएगा इंटरेस्टिंग मैच में। लास्ट ओवर छह गेंदों में फैसला, पहला गेंद यहां पे कवर में मिलेगा और यहां पे दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किए। जबरदस्त थ्रो, पहले रन में थोड़ी सी चुस्ती दिखाना होगी। अगर आपने डबल की कॉल की है तो चुस्ती को यकीनी बनाना होगा। सीधा और बॉल, बॉल बचे हैं यहां पे बॉलर। यहां पे बड़ी इंजरी हो सकती थी लेकिन बचे हैं। बड़ा ही जोरदार शॉट था और सीधा अपने हाथों से बचाया खुद को। इस दफा कैच हो सकता है, कैच हो सकता है, लेकिन खुर्रम इंटरेस्टेड नहीं थे कैच में। आठ रन चाहिए तीन गेंदें। पहले दिन मांग की गई थी सुपर ओवर की। और यहां पे छोड़ा था वाइड समझ के लेकिन नहीं हुई वाइड। दो गेंदे आठ रन, दो गेंदे आठ रन चाहिए। रिप्ले में देखा जा सकता है क्या ये फेयर डिलीवरी है,
बड़ा ही क्लोज मामला था और सीधा खेला इस दफा। दूसरे रन की कॉल है, दूसरे रन की कॉल है, लेकिन यहां पे मिसफील्ड की है विकेट कीपर ने। एक गेंद, बड़ी बाउंड्री दरकार, क्या ये कर पाएंगे? इस मैच में सिर्फ एक सिक्स लगा है शहराज के बल्ले से, लगा था वो भी। एक आसान हदफ को यहां पे बदला है मुश्किल टोटल में। बड़ी ही शानदार यहां पे साइबर मार्च की टीम ने परफॉर्मेंस दी। अब आखिरी गेंद, फैसला कुन गेंद, बाउंड्री दरकार, लॉफ्टेड शॉट की मांग, देखना होगा लास्ट बॉल सिकलैन की। और यहां पे खेला गेंद बाउंड्री की जानिब और चार रन, आई थिंक चार रन है। एक रन से ये मैच विन कर लिया यहां पे साइबर मार्ट ने। बड़ा ही शानदार यहां पे मुकाबला देखने को मिला और सीपीएल के ट्विस्टिंग मैचेस जो है वो मुसलसल लगातार जारी हैं। एक और ट्विस्ट हुआ, एक बेहतरीन मैच हुआ और मैच के इख्तिताम पर साइबर मार्ट ने यह मैच अपने नाम किया। एक बड़ा ही छोटा टोटल था लेकिन बड़ी शानदार बॉलिंग के साथ इसको डिफेंड करने में कामयाब हुए। बड़े ही खुश यकीनन यहां पे साइबर मार्ट ये तमाम तर प्लेयर्स और बड़ा ही शानदार मैच हुआ। टीम वापस पवेलियन जाती हुई और 117 रन का टोटल था, 115 ही कर पाए अटक पेट्रोलियम के बल्लेबाज। और थोड़ी ही देर में आप सब दोस्तों के साथ दोबारा जुड़ते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में।
वेलकम बैक आफ्टर दिस मैच। एक बहुत ही शानदार मैच हुआ आज अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में। जिस तरह बहुत ही सनसनीखेज मैचेस पहले दिन देखे गए, उसी तरह से एक शानदार मैच हुआ और एट द एंड एक रन से ये मैच विन किया है द साइबर मार्ट ने। और अब सबसे पहले मैं यह दावा दूंगा लूजिंग टीम के कैप्टन मिस्टर शहराज को कि वो आए और इस मैच के वाले से उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले हार्लक, एक अच्छा मैच हुआ, बहुत क्लोज मैच हुआ और सिर्फ एक रन से बर्तरी आपसे दूरी पे थी। किस तरह से देखते हैं इस हार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आवर फर्स्ट गेम। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हमने थोड़ी कैलकुलेशन एरर्स की हैं। सुबह जो हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो उस तरह से परफॉर्म उसने नहीं किया। सम हाउ वी केम बैक स्ट्रॉन्गली बट अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट फिनिश द मैच, सो डेफिनेटली वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर अदर गेम्स। अच्छा, इस मैच में सिर्फ एक बड़ी बाउंड्री हमें देखने को मिली, सिक्स, वो सिर्फ आपके बैट से आई। क्या आप समझते हैं एक आधा ओवर और आप अगर स्टे करते तो मैच का रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो सकता था? यस डेफिनेटली, मुझे लग यही रहा था कि मुझे स्टे करना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट इज अ फनी गेम। सो बिल्कुल हार्ड लक, कोई बात नहीं, अभी बहुत मैचेस बाकी हैं। विश यू बेस्ट लक नेक्स्ट मैचेस के लिए। और अब बारी आती है आज की विनिंग टीम के कैप्टन मिस्टर खुरम की। हमारे साथ आए और इस मैच के बारे में बताएं। खुरम, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत जबरदस्त मैच विन किया है सिर्फ एक रन से। सबसे पहले मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा प्लान था जो आपने इम्प्लीमेंट किया 116 के टारगेट को मद्देनजर रखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का करोड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो फतह से हमकनार किया। तो पॉइंट इसमें यही था कि हमें रन हमें लग रहा था कि हमने कम किए हैं और इसको कैसे कंटेन करके खेलना है कि शुरू के ओवर्स जो है उसमें कम से कम रन दिए जाएं ताकि बाद वाले ओवरों में हमें ज्यादा रन बचें और उसको हम इजीली कंटेन करके मैच को विनिंग की तरफ हम जाएं। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त फैसले देखने को मिल रहे थे एट द मोमेंट। आप जो अपने बॉलर्स को शफल कर रहे थे बहुत जबरदस्त था, लेकिन लास्ट ओवर आपने एक नए बॉलर को दिया है, क्या उस वो क्या डिसीजन था? आई मीन क्रिकेट इज नॉट ए फनी गेम, क्रिकेट इज ए बाई चांस गेम। सो ये तो हाँ यस, तो इसमें ये है कि आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता था, वो 10 रन जो है वो ज्यादा भी नहीं थे, हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे। तो ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक के हाथ में जो वो एक के हिस्से में जीत तो आनी थी, तो वो इसी तरह इन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो बैकअप इन्होंने भी किया, तो एक रन से जीते हैं हम। तो मेरा ख्याल है कि हमारे कंपटीटर आज बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस विन किया इसको। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो साइबर मार्ट है दो मैचेस विन करने के बाद टेबल पे फर्स्ट पे है। और अब बारी आती है आज के मैन ऑफ द मैच की। बहुत शानदार बॉलिंग, बल्लेबाजी में भी उन्होंने एक जो ऐड किया अपना कुछ हिस्सा। तो बात कर रहा हूं मैं मिस्टर जिशान की, आज दूसरी दफा मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। सबसे पहले मिस्टर जिशान बहुत मुबारक हो, मुसलसल दूसरी दफा मैन ऑफ द मैच करार पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि लास्ट टाइम मैं बैटिंग से मैन ऑफ द मैच हुआ, आज मेरी बॉलिंग भी बेहतर हुई, तो बस अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह पाक साथ दे रहे हैं और बस परफॉर्मेंस हो रही है। मुझे ये बताएं, आपको मैंने देखा है जब मैच चल रहा था, आप हर एक चीज में, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, पूरा एक अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये एनर्जी, ये लेवल, ये बूस्टअप, ये कैसा है? सर बस बेसिकली 100% देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जो भी फॉर्मेट आपको मिल रहा हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, उसमें डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 100% अल्लाह पाक डिलीवर करवा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने बड़ा ही क्रूशियल ओवर करवाया 19वां, उस ओवर में जब आप आए थे आपको पहले इस चीज का यकीन था कि मैं ये चीज जो है कवर कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कैप्टन ने मेरे पे बिलीव किया हुआ था कि भाई ये ओवर आपने ही करना है, और फर्स्ट बॉल पे मुझे विकेट भी मिल गई। उसके बाद वो ओवर मेरे लिए वाकई मुश्किल हो गया था, मुझे लास्ट बॉल पे नो बॉल हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या लगे माइंड सेट में था कि इंशाल्लाह मैं बचा लूंगा और वैसे ही हुआ। बहुत जबरदस्त है, मिस्टर हमारे साथ मौजूद है। और अब मैं दावत दूंगा लूजिंग टीम के कैप्टन मिस्टर शहराज को, वो आए और आज के मैन ऑफ द अवार्ड जो है वो जिशान के हवाले करें। सबसे पहले मेडल पहनाया जाएगा, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, उसके बाद जो है शील्ड भी दे देंगे। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज का पहला मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा।
अभी थोड़ी देर के बाद एक और बड़ा मैच होने जा रहा है, उसमें आप सब दोस्तों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।